असलकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इस्तबाल है आपका अब्रीन एकेडमी में आज हम ब्रिज कोर्स का नवी जमात का तीसवें दिन का निशाब पढ़ने वाले हैं तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है दायरा वित्र और कौस तो सबसे पहले तो आप प्रकार की मदद से एक दायरा बनाइए और उसका निसफ कु नापिए ठीक है अब हम दायरे के जो मुख्तलिफ अज्जा है उसके बारे में मालूम हासिल करेंगे तो सबसे पहले दायरा किसे कहते हैं दायरा एक मस्तवी में नुकात का ऐसा सेट जिनका एक मुतन नुक्ते से फ़ासला मुतन हो इसे दायरा कहते हैं तो मस्तवी के अंदर जो है तो नुकात का ऐसा सेट जिसका जो है तो एक नुक्ते एक मत नुक़े से फ़ासला जो है तो क्या हो तय हो उसको क्या कहते हैं दायरा कहते हैं तो यहाँ पर शक्ल के अंदर बताया गया है उसके ऊपर जो है तो नुकात है ए बी है डी पी क्यू एक्स और ओ जो है तो वहाँ से हर नुकते का फ़ासला जो है तो वो क्या रहेगा मुतन रहेगा तय रहेगा तो इस तरह से दायरे की जो है तो तारीफ़ थी उसके बाद जो है तो दायरे का मरकज़ तो किसी भी दायरे में वाक़ वो मतन नुक्ता जहाँ से तमाम नुकात हम फासला होते हैं इस मुतन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं तो यहाँ पर शक्ल में ओ जो है तो वो दायरे का मरकज़ है ओ से बी का फासला ओ से ए का फासला ओ से डी का ओ से एक्स का ओ से पी का और से क्यू का सब फ़ासला जो है तो एक जैसा रहेगा तो ओ क्या हो गया दायरे का मरकज़ हो गया फिर उसके बाद है दायरे का निसफ कुतर दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़ किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला कताखत दायरे का निसफ कुतर कहलाता है इस तरह दायरे के मरकज़ पर वाक़ किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला कताखत दायरे का नफ़ कुतर होता है इसे आर से ज़ाहिर करते हैं आर से क्यों जाहिर करते हैं तो अंग्रेज़ी में निसफ को रेडियस कहते हैं इसलिए उसको जो है तो आर से ज़ाहिर किया जाता है अब यहाँ पर शक्ल में ओ डी ओ बी ओ ए ये जो है तो क्या है दायरे के निसफ कुतर है मरक़ से लेकर जो है तो दायरे पर मौजूद किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला जो ख़त होता है वो दायरे का क्या होता है निसफ कदर होता है फिर उसके बाद है वित्र दायरे पर वाके किसी भी दो नुकात को जोड़ने वाले क़ता ख़त को दायरे का वित्र कहते हैं यहाँ पर शक्ल में नुकता पी और नुकता क्यू इनको जोड़ने वाला जो ख़त पी क्यू है वो दायरे का क्या कहलाएगा वित्र कहलाएगा ठीक है फिर उसके बाद है कुत्र दायरे के मरक़ से गुजरने वाला वित्र दायरे का कुत्र कहलाता है दायरे का कुत्र दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है दायरे का कुत्र उसके निसफ का दुगना होता है तो जो मरकज़ से गुजरने वाला वित्र होता है यानी देखो यहाँ पर नुकता ए और नुक्ता बी हैं तो इनको मिलाने वाला जो खत है वो दायरे का मरकज ओ जो है उससे गुजर रहा है तो ए बी क्या हो गया दायरे का कुत्र हो गया ठीक है और दायरे का कुत्र जो है तो वो दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है और अगर दूसरी बात ये कि दायरे का कुत्र जो है वो उसके निस्फ कु का दुगना होता है ठीक है तो ओ बी जो है तो ये निस्फ़ कुतर है और इसके दुगना अगर लोगे तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा हमारा कुत्र हो जाएगा ठीक है तो शक्ल में नुक्ता ओ दायरे का मरकज है और ओ ए दायरे का नस्फ कु है जबकि पी क्यू दायरे का वित्र ए बी कता दायरे का कुत्र है ठीक है तो कुतर बराबर क्या है दो जरब नस्फ कु अब कुत्र को कैसे जाहिर करते हैं डी से डी से क्यों जाहिर करते हैं तो कुत्र को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं इसलिए कुतर को डी से जाहिर करते हैं तो क्या जब्ता बनेगा डी बराबर दो आर आर यानी कुतर, ठीक है इसी को जो है तो आप एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा ये आर की सूरत में अगर इसको तब्दील करोगे तो क्या हो जाएगा कुत्र बटे दो यानी डी बटे दो आर बराबर डी बटे दो डी बराबर दो आर और इसी तरह सी बराबर दो पाया आर सी जो है तो क्या है मुहित है सरकम जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं तो सी बराबर दो पाया आर इसी जाप्ते को जो है तो सी बराबर पाए डी भी लिख सकते हैं फिर उसके बाद वाला जबता है दायरे का रकबा बराबर पाया आर की दूसरी ठीक है और पाया π पाय की जो कीमत है वो तीन आशारिया चौदह या बाईस बटे सात है ठीक है पाई की कीमत तीन अशारिया चौदह या बाईस बटे सात उसके बाद वाला पॉइंट है मरकज़ी ज़ाविया अगर किसी जाविया के राशि नुक्ते को मिलाकर जो जाविया बनता है उसे मरकज़ी जाविया कहते हैं तो यहाँ पर ए सी बी जो है तो ये सी जो है तो दायरे का मरक़ है तो ए सी बी क्या हो गया मरकज़ी जाविया हो गया इसी तरह दायरे का कौस दायरे का वित्र दायरे को जिन दो हिस्सों में तकसीम करता है वो हिस्सा दायरे का कौस कहलाता है तो दायरे को जो है तो आप दो हिस्सों में अगर तकसीम कर दोगे तो वो हिस्सा जो होगा वो क्या होगा दायरे का कौस कहलाएगा अब दायरे के कौस की जो किस्में हैं तो पहली है असगर कोस दूसरी है अकबर कोस और तीसरी है नफ़ दायरा ठीक है अगला पॉइंट है असगर कोस और अकबर कौस असगर यानी छोटा और अकबर यानी बड़ा तो दायरे के वित्र की वजह से दायरा दो हिस्सों में तकसीम होता है हर हिस्सा दायरे का कौस कहलाता है ठीक है दायरे का वित्र जहाँ पर रहेगा वहाँ से दायरा जो है तो दो हिस्सों में तकसीम होगा तो अब देखो यहाँ पर ए बी जो है तो क्या है दायरे का वित्र है तो दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया एक ए वाई बी और दूसरा ए एक्स बी ठीक है तो ए वाई बी ये बड़ा हिस्सा है तो इसको क्या कहेंगे अकबर कौस कहेंगे और ए एक्स बी जो है तो ये छोटा हिस्सा है तो इसको क्या कहेंगे असगर कौस कहेंगे ठीक है और निसफ दायरा कौस दायरे का कुत्र दायरे के दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है हर हिस्से को निसफ दायरा कोस कहला कहते हैं मतलब जब दायरा जो है तो दो मसावी हिस्सों में तकसीम होगा पूरा दायरा दो हिस्सों में तकसीम हो गया मतलब क्या हो जाएगा वो आधा आधा हो जाएगा तो जो आधा हिस्सा रहेगा उसको क्या कहेंगे निसफ दायरा या फिर निसफ़ कोस कहेगी ठीक है कौ की पैमाइश मुकम्मल दायरे की पैमाइश तीन दर्जा होती है अब मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 होगी तो आधा यानी निसफ दायरा कितना हो जाएगा 360 के आधा मतलब 180 हो जाएगा इसी तरह मरकज़ी जावे की पैमाइश जो है तो वो क्या रहेगी असगर कौस की पैमाइश रहेगी और असगर कौस की पैमाइश जो है तो वो क्या होगी 360 तफरीक अकबर कौस मतलब 360 में से अकबर कोस की पैमाइश तुम तफरीक कर दोगे तो जो बचेगा वो तुम्हारा असगर कौस की पैमाइश रहेगी ठीक है इसी तरह यहाँ पर शक्ल दी हुई है शक्ल में देखकर आप लोगों को जो है तो यहाँ पर पूछे गए सवाल के जवाब लिखना है आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़